गाइस, इट्स योर फ्रेंड विपुल कौशिक। आई एम कॉलिंग फ्रॉम मुंबई और यहाँ पे दो दिन का सेमिनार रहा हम लोगों ने। कोविड के माहौल में हम लोगों ने भी ट्राइड की कुछ लोगों को एनालिसिस सिखाने के लिए, और आई थैंक फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट कि आप लोग आए हैं। और जितने लोग नहीं आए, आई थिंक दे आर मिसिंग समथिंग। डिड दे मिस समथिंग? Yes. लोग नहीं आए? ओके, मज़ा आया कि नहीं आया? ओके, बहुत डल लग रहे हो यार। बहुत डल, थक गए यार? नहीं, मज़ा एनर्जेटिक है। चलो गाइस, ठीक है, तो इट विल बी अ लाइव सेशन। मतलब हम लाइव सेशन के अंदर में अपना फीडबैक कर रहे हैं, अनकट फीडबैक देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। जो आपने सीखा, जो समझा, कैसी एनर्जी रही, आने का मकसद पूरा हुआ कि नहीं हुआ, कुछ स्पेशल रहा कि नहीं रहा, जो लोग नहीं आए उन्होंने क्या मिस किया, या किसी और को रिकमेंड करना चाहेंगे। जैसे वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दिल्ली नाउ। दिल्ली में हमारी क्लास है 24th and 25th अप्रैल को, और हो सकता है उससे पहले हम कोलकाता या पुणे में से कोई क्लास करने वाले 17 और 18 अप्रैल को, तो हमारी तैयारी रहेगी उसके लिए। नाउ दिस फीडबैक विल हेल्प यू टू नो कि इस क्लास में क्या होता है। सो हु विल बी फर्स्ट, कौन आएगा? Myself Madhuri Dandge from Panvel, and your thanks, thank you very much for your valuable knowledge sharing with us. Thank you. क्या सोच के आए थे? बहुत कुछ wrong trading कर रहे थे, और सोच आपसे बहुत कुछ सीखने की उम्मीद थी। उम्मीद पूरी हुई कि नहीं हुई? Yes. तो दो दिन में बहुत डिफिकल्ट तो नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। लैंग्वेज कैसे रही? आप हाउसवाइफ हैं, आपने मुझे कहा था मैं हाउसवाइफ हूँ। yes. मैं घर से अब कुछ सीखना चाह रही हूँ, अपनी करियर कुछ बनाना चाह रही हूँ कि टाइम मेरा पास हो जाए। exactly. तो टाइम पास हो पाएगा? बहुत डिफिकल्ट तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बाकी लेडीज के लिए बाकी या रिकमेंडेशन ये है कि जो विदाउट नॉलेज ट्रेडिंग करते हैं, उन्होंने विदाउट नॉलेज ट्रेडिंग नहीं करनी है। क्लास में आना चाहिए। ऑनलाइन बेटर है कि ऑफलाइन बेटर है? ऑफलाइन बेटर है। ऑफलाइन बेटर है? कोविड से डर तो नहीं लगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, लवली लवली, वेरी नाइस। यस please. Yeah, hi, my name is Anurag Priyadarshi. Yeah, I've been regularly attending the trading this workshop conducted by Vipul sir, and in fact this is for the third time that I come here. And people generally ask me that why do you come here again and again, and the answer is very simple. The knowledge and the concepts that are taught here are new and unique every time. Thank and you. The knowledge and the information that we get is very special. And these things we don't get in any free to YouTube video, or it's not available in any book in the market. And in this 2-day workshop, we learned the art of doing day trading, swing trading, and long-term investment using the combined analysis of price action and option chain. In fact, a price action and option chain truly complement each other, and this is precisely what we learned over here. And I recommend everyone watching this video to attend the 2-day seminar so that they get professional knowledge and expertise to work efficiently and profitably in the market. Thank you. मेरा नाम विवेक गुप्ता है, मैं सर का क्लास आज तीसरी बार अटेंड कर रहा हूँ। हमेशा कुछ नया सीखने के दृष्टि से मैं यहाँ पे आता रहता हूँ, पहले भी आया, मज़ा आता है। कुछ नया सीखने के लिए काम तो चल रहा था, पर यहाँ आने के बाद कुछ नया सीखने को मिलता है, और सीखने के बाद कुछ गलतियाँ होती हैं, तो यहाँ पे आने के बाद थोड़ा क्लियर हो गया कि मैं कहाँ गलती कर रहा था, कहाँ नहीं। अब वो माइंड से क्लियर हो गया कि अब थोड़ा और बेटर काम कर सकते हैं। दो दिन कैसे रहे? दो दिन तो बहुत अच्छे से सर, बहुत मज़ा आया। क्लास की कोई खासियत? क्लास की कुछ खासियत, बस सीखने को जो मुझसे गलती हो रही थी वो मेरा आज क्लियर हुआ। चलो, लोग कहेंगे तीसरी तीन बार आता है, तीन तीन बार गलती करता है। गलतियाँ तो हमेशा हो जाती है ना सर, कितना भी एक्सपर्ट तो नहीं है अभी, तो वही एक्सपर्ट और प्रोफेशनल बनने के लिए आते हैं, तो सीखते सीखते सीख जाएंगे। पहले स्टार्टिंग आपसे किया, अभी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है, पहले से बेटर हो गया। जी जी, बहुत बेटर हो गया है। गलतियाँ करना गलती नहीं होती है, पुरानी गलतियाँ करना गलती होती है। हर बार नई गलती करो, कोई टेंशन नहीं है, है ना। वो लाइफ में भी वही फंडे और हमारे स्टॉक मार्केट में भी फंडे हैं। चलो ठीक है, इट्स गुड फॉर लर्निंग। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच कमिंग। मैं तुषार रहाने, मैं आपका सेशन सेकंड टाइम अटेंड कर रहा हूँ मुंबई में, और कुछ नया सीखने के लिए ही मैं आया था। ये सेशन दो दिन का था और बहुत बढ़िया रहा। इसमें प्राइस एक्शन के ऊपर हमने काम किया, विदाउट एनी इंडिकेटर हम लोग देख रहे हैं कि कैसे काम कर सकते, एक नया नज़रिया मिला मार्केट को देखने के लिए। और आगे भी जो भी कुछ नया आएगा तो वापस से हम लोग वापस रिजॉइन करके वापस सर के साथ ज़रूर वापस आएंगे। तो नए लोगों के लिए कोई संदेश? नए लोगों के लिए यह संदेश है कि वो एक बार तो भी ज़रूर ये सेमिनार अटेंड करें और अपना नॉलेज बढ़ा लें। थैंक यू। यस सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। मैंने ये सर का सेशन फर्स्ट टाइम अटेंड किया, तो मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं शेयर करूं तो मुझे यहाँ पे आना था क्योंकि मुझे प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेंज सीखना था। बेसिकली जो मेरा मोटिव था वो तो अचीव हो गया, उसके साथ मुझे और एक सीख मिली कि इंट्राडे करके तो कुछ होने वाला नहीं है। अगर आरओआई जनरेट करना है आपको, एक तो स्विंग करो या फिर
आरओआई बढ़ाते जाओ, इंट्राडे करके नहीं, कुछ भी स्विंग करो या फिर इंट्राडे भी कर रहे हो तो कम परसेंटेज से आप अर्निंग करो, तो आपका ग्रोथ और ज्यादा हो जाएगा। पैसा बनाने से मतलब होना चाहिए ना, हाँ, पैसा बढ़ाओ, सट्टा बनाना जरूरी, सट्टा मारना जरूरी नहीं है, नहीं तो फिर खाली हो जाओगे और कुछ नहीं। नए लोग जो आते हैं स्टॉक मार्केट में ये सोच के कि स्टॉक मार्केट बहुत ही अट्रैक्टिव है, उन लोगों को सीखना चाहिए कि पहले लॉस खा के सीखना चाहिए? बेसिकली अगर मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँ, मैं लॉस करके ही यहाँ पे आया हूँ, तो बेटर आई एम सजेस्टिंग यू टू फर्स्ट लर्न देन अर्न। वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड लर्निंग एक्चुअली। वेरी गुड, थैंक यू। सो आई सजेस्ट प्लीज कम एंड अटेंड विपुल सर क्लास। थैंक यू सो मच। हेलो, दिस इज़ लक्ष्मी हियर। आई एम कमिंग फॉर दिस क्लास फॉर द सेकेंड टाइम। एक लॉकडाउन के टाइम पे ऑनलाइन हुआ था, बट टू आई वुड लाइक टू थैंक विपुल सर फर्स्ट कि इतना सब यू नो प्रिकॉशंस ये सब होने के बावजूद सर ने यहाँ पे आने की पहले तो डिसाइड किया, बिकॉज हम लोग डरे हुए थे आना है नहीं आना है, बट वी आर श्योर कि विपुल सर का क्लास है तो वी डोंट वॉन्ट टू मिस इट। द सेकेंड रीज़न इज़ दैट रिपीट क्लास क्यों किया, द रीज़न बिहाइंड इज़ दैट कि कंसेप्ट टोटली अलग है जो हम मैंने एक डेढ़ साल पहले सीखा था। प्राइस एक्शन हो गया, ऑप्शन चेन को देखने का नज़रिया कंप्लीट डिफरेंस है अभी जो सिखा रहे हैं सर। सो आई वुड लाइक टू टेल रिपीट स्टूडेंट्स ऑल्सो, जो रिपीट आना नहीं आना सोच रहे, तो यू विल बी गोइंग टू गेट समथिंग टोटली न्यू दिस टाइम। तो वो एक रीज़न है। एंड उसके बाद ऑब्वियसली जो कम्युनिटी सब मिल के सीखते हैं उसमें और ऑनलाइन में बहुत डिफरेंस है। मतलब एक क्लास में बैठ के जो एनवायरनमेंट में सिखाया जाता है और जो रिपीट किया जाता है बार बार, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्वियसली आने का एक और रीज़न है कि जो जो बोलते हैं ना कि पहले लॉस करते और फिर आना है, वो थोड़ा अभी चेंज हो रहा है, बिकॉज डेढ़ साल पहले जो मैंने ट्रेनिंग लिया था और मैंने जो एक्सपीरियंस किया और अभी मैंने मेरे अंदर जो पेशेंस आया है, यू नो आई एम नॉट गोइंग टू जंप एंड डू द ट्रेडिंग नाउ, आई विल वेट एंड वॉच, वो मेरे में डिफरेंस आया है इंटरनली। सो आई विल सजेस्ट एवरीबडी कि आइए यहाँ पे ज्वाइन कीजिए और एक पेशेंस डेवलप होगा एंड धीरे धीरे ही वेल्थ क्रिएट होगा। इट इज नॉट अ ओवरनाइट सक्सेस। एनी मैसेज फॉर द फीमेल्स क्लास इफ यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ स्टॉक मार्केट? यस डेफिनेटली। बहुत मतलब जो सर का वे ऑफ टीचिंग है वो बहुत कंफर्ट लेवल तक जाते हैं, मतलब बहुत अच्छे से सिखाते। देर इज़ नथिंग दैट यू नो कोई नया है तो वो नहीं सीख पाएगा, डाउट्स क्लियर करते हैं। और ऑब्वियसली फीमेल्स बीइंग अ हाउसवाइफ आई नो कि हमारे एक रिस्ट्रिक्शन में ही काम होता है, बट येस देर इज़ एम्पल अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन्स हियर, सो दे शुड कम। इट इज़ नॉट लाइक कि वो नहीं कर पाएंगे, ज़रूर कर सकते हैं, बट येस पैशन डेडिकेशन चाहिए और मेहनत करनी पड़ेगी, होमवर्क बहुत करना पड़ेगा। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच लक्ष्मी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक्स इन देयर कि स्टॉक मार्केट को आप अपना करियर बना सकते हो। वेरी गुड, थैंक यू लक्ष्मी जी, थैंक यू। हाय सर, आदित्य हियर। दिस इज अबाउट माय सेकंड वीक डूइंग स्टॉक मार्केट। एंड व्हाट इज योर एज आदित्य? माय इज जस्ट करंटली 19। 19, यस। ऑल स्टूडेंट्स लिसनिंग हियर, ही इज जस्ट 19 एंड ही हैज कम टू लर्न द स्टॉक मार्केट एंड बीन विद हिज मदर, राइट? यस, यस, गुड गुड, या प्लीज। सो माय मॉम सेज मी अबाउट यू, आई स्टार्टेड वाचिंग YouTube, free YouTube videos about stock market, and truly I didn't understand nothing from there. So then I started watching your live streams at 9 o'clock in the night. I found it very interesting. Then I told my mom I should come with you. So yeah, that's my story. Okay. And sir's teaching way is very very cool. So Adida, one thing, I mean you were 19, yeah, and there were so many people above 40, yeah. तो 40 के बीच में एक 20 साल का बच्चा बैठा है कॉलेज में, हो ना? अभी कॉलेज फर्स्ट ईयर में अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे स्टॉक मार्केट का पार्ट बनना, तो क्या सोच के सोच रहे हो यार? लोग तो कहते हैं जब जॉब आएगा, अर्निंग आनी स्टार्ट होगी, फिर स्टॉक मार्केट में कुछ इन्वेस्ट करेंगे या म्यूचुअल फंड्स लेंगे या थोड़ा इंश्योरेंस खरीदेंगे, कुछ करेंगे, है ना? तो ये 19 ईयर्स के एज में क्या क्रेविंग्स है स्टॉक मार्केट को लेके? व्हाई सर? क्योंकि अभी कोविड का जो चल रहा है उससे जॉब से कंफर्म नहीं है, जॉब मिलेगा आपको नहीं मिलेगा। जब तक मेरा थर्ड ईयर हो जाएगा मुझे थोड़ा तो एक्सपीरियंस आ जाएगा स्टॉक मार्केट में। सो लाइक अगर जॉब भी नहीं मिला मुझे तो दिस इज गुड फॉर पार्ट टाइम इनकम, देन आई कैन सपोर्ट माय फैमिली एंड लाइक मेरे खुद के एक्सपेंसेस भी होंगे, आई कैन सपोर्ट दैट विद स्टॉक मार्केट। व्हाट वुड बी योर मैसेज फॉर द स्टूडेंट्स एक्चुअली? उनको स्टॉक मार्केट सीखना चाहिए? एक्चुअली सीखना चाहिए, क्योंकि जो फ्यूचर है वो बिल्कुल सेफ नहीं है अभी। लाइक फॉर जॉब वाइज आप अगर देखोगे तो फ्यूचर अभी जॉब से लाइक सिक्योर नहीं है, आपको कंफर्म मिलेगा ही जॉब या नहीं ऐसे। तो यहाँ पे इतनी रिस्की मार्केट, जो पुराने हमारे अंकल आंट कहते हैं भाई स्टॉक मार्केट तो जुए का है, लॉस का बिजनेस है, नहीं करना चाहिए, पैसा बर्बाद हो जाएगा,
शादी नहीं हुई लड़की, अगर वो स्टॉक मार्केट कर रहा था, अगर आप सीखोगे सब कुछ परफेक्टली तो इसमें से कुछ नहीं होगा. एक्सेलेंट. आपको उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए. वेरी गुड. आपका लाइक क्लास अटेंड करने से पहले मैंने भी कुछ 500-600 रुपीस का लॉस किया है. 500-600 चलेगा. वेरी गुड. हाँ ठीक है. सो या तो दो दिन कैसे रहे? बहुत सही था सर. बहुत सही रहे. परफेक्ट. आप सीख पाए कुछ? बहुत कुछ सीखा. ऑल द बेस्ट. एंड पेशेंस भी आपको बहुत चाहिए इसमें. वेरी गुड. मुझे बिल्कुल नहीं थे आपसे. आपको देखा सीखा. Okay. आगे पेशेंस हो गया. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. बिग एंड गाइस, वेरी नाइस. सो दिस इज अ मैसेज आउट देयर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर लिसनिंग. क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं बहुत जल्दी आपके स्कूल कॉलेज में आने वाला हूं आपसे मिलने के लिए और आपको ये बताने के लिए कि हाउ मनी मैनेजमेंट इज डन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड व्हाट आर द डिफरेंट एरियाज वेर यू कैन इन्वेस्ट योर मनी. जब आप कमाने जाओगे तो उस पैसे को लगाओगे कहाँ? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज है जहां पे आप कितना भी पैसा लगा सकते हो. और सबसे बड़ी बात, यू हैव द लिवरेज ऑफ टाइम. 9-3 का बाजार है, 9-3 में ट्रेडिंग करो, बाद में बैठ के स्टडी करो, आप अपने खुद बॉस हो. तो दिस इज परफेक्ट मैसेज फॉर द स्टूडेंट्स. Thank you so much, Aditya. Thank you so much, buddy. Thank you, lovely guy. I'm 27. And I came here by chance. I was not supposed to be here. My father was supposed to be here, but he could not come. And I think it's the best course I've taken. Thank you. Because I've got the right tools and knowledge to, make a not only earn income, but make this like my second source of earning. Very good. So very helpful, and I liked how sir, handheld us through every trade and showed us ki where you can go wrong and how you can avoid your mistakes. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Lovely message. हॅलो सर, माझं नाव शुभम पाटील आणि मी नागपुरातून आलेलो आहे. मी या सरांना एक वर्षापासून त्यांचे व्हिडिओ पाहत आहे. मार्चमध्ये याचा विचार केला नागपूरमध्ये, सॉरी मुंबईमध्ये, बट कोरोनामुळे नाही येऊ शकलो. आता आलो, चांगलं वाटलं. माझी इच्छा आहे तुम्ही एकदा ट्राय करा, काही विषय जात नाही. थँक्यू सर. दो दिन कसे ते? खूप चांगलं वाटलं. खूप चांगलं. नॉलेज तर फार भेटला. घबराट निघाल गई? मेरा नाम भाग्यश्री है. फर्स्ट टू मैं मेरे मॉम को और आपको थैंक्स बोलना चाहूंगी, क्योंकि मेरी इच्छा से ज्यादा उनकी इच्छा थी कि बाबा आप करो. पूना में मम्मी, हाँ वो टाइम पे. और अभी भी आपका क्लास इधर है, तो उन्होंने ही बताया कि तुम जाके उधर सीख के आओ और आगे बढ़ो. इसकी वजह से मैं इधर आ गई. और जो कल से मैंने सीखा वो फर्स्ट क्लास से अच्छा बेटर था और ईजी था. और एंट्री और एग्जिट किधर करना है वो परफेक्ट समझ में आया. और आज जो प्रैक्टिस किया वो तो बहुत ही अच्छा था. हाँ, बहुत मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक पे प्रैक्टिस हो गई, उसकी वजह से पूरा समझ में आ गया. तो कोई खासियत? हाँ, दो दिनों की कोई खासियत, कोई स्पेशल चीज़ जो आपको पसंद आई हो? हाँ, मुझे प्रैक्टिस ही अच्छी लगी, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हो पाती थी. एक दिन में पूरा समझ में नहीं आता था, कल समझ में आया. उसके बाद आज जो स्टॉक में हो गए ना, उससे तो पूरा परफेक्ट समझ में आ गया मुझे. बाकी लोगों को करना चाहिए? हाँ यस, बाकी लोगों को तो मैं बताऊंगी कि बाबा आप आके सीख लो सर से. एक अगर समझ में नहीं आता तो बार बार पूछे, बताएंगे ये. थैंक यू. निकल गई, डर निकल गया सारा. माझं नाव दीपिका जाधव आहे. सर खरं सांगू, मी घरातल्यांना सांगून नाही आली की मी शेअर मार्केटचं क्लास करते. हे भाग्यश्रीनी सारखं सांगून मी आले इथे. काल ह्या दरवाजाच्या बाहेर, नाही मतलब हो बता रही ती की नाही ऐसा आहे ऐसा आहे. दरवाजाच्या बाहेर काल होती तर मला भीती वाटत होती, मला येईल का नाही हे शिकायला. मला भीती वाटत होती मी शिकेन की नाही. पण आज असं वाटतं, हां सीखे. आज असं वाटतं की सगळ्या लेडीजनी हे केलं पाहिजे. हां, कारण की शेअर मार्केटबद्दल, लेडीजबद्दल, म्हणजे मी ज्या परिस्थितीत राहते ना तिथे चुकीचे हे आहे की बाबा नाही शेअर मार्केट चांगलं नाही. पण इथे आल्यावर असं वाटतं की मार्केटचं नॉलेज भेटतं इथे. हां, त्यामुळे हे खूप चांगलं आहे. लेडीजनी तर करावंच माझ्या मते हे. हां, आणि ऑनलाईन करण्यापेक्षा ऑफलाईन करावं, जेणेकरून आपल्याला पूर्ण समजतं. हां, थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच गाइस फॉर दिस 2 डेज. आप लोगों ने साथ दिया, मजा आया. और बहुत ही जल्दी हम दिल्ली मिलने वाले हैं 24 और 25 अप्रैल को. जिसको भी बुकिंग करानी करा लो. क्लास बहुत लंबी चौड़ी नहीं करने वाला हूँ, लिमिटेड लोगों को लेने वाला हूँ. जितने लोग आ जाएंगे वेलकम है, जो नहीं आएंगे उनका भी वेलकम है. नहीं तो डेली शाम को रात को 9:06 पे मंडे टू फ्राइडे हम मिलेंगे यूट्यूब पे लाइव सेशन रात को 9:06. आइए देखिए बाजार को कैसे एनालिसिस करते हैं, उसके बाद डिसीजन लीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.